गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं TSN शिक्षा संस्थान अजमेर से BSTC सेकेंड ईयर पेपर थर्ड आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा यूनिट सेकेंड चल रहा था। इस यूनिट सेकेंड में हम देख रहे थे लोकतंत्र और इंग्लैंड में सार्वजनिक शिक्षा की राजकीय व्यवस्था। हमने देखा था प्राथमिक शिक्षा को, अब हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था जो इंग्लैंड में थी वो किस प्रकार की थी। तो इंग्लैंड में जो माध्यमिक शिक्षा की पहुंच थी वो देखें तो शिक्षा जो व्यवस्था थी वो प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चा कितने वर्ष का हो जाता था, 11 वर्ष का हो जाता था, और 11 वर्ष के बाद बच्चे छात्र तय करता था कि वो विज्ञान पढ़ेगा या वो इतिहास को पढ़ेगा या साहित्य को पढ़ेगा या वो क्या पढ़ेगा, औद्योगिक में काम करेगा। तो इंग्लैंड में 11 वर्ष का जो छात्र था वो क्या तय करता था कि माध्यमिक शिक्षा के अंदर वो कहाँ जाएगा, विज्ञान में, साहित्य में या औद्योगिक के अंतर्गत जाएगा। और इसको जाने के लिए उसे क्या करना था, ग्रामर स्कूल या माध्यमिक स्तर में क्या करना पड़ता था, माध्यमिक स्कूल या ग्रामर स्कूल में क्या करना पड़ता था, प्रवेश लेना पड़ता था। और इस प्रवेश के लिए क्या होती थी, परीक्षा देनी पड़ती थी। जो छात्र इस परीक्षा में पास आउट होते थे वो कहाँ जाते थे, माध्यमिक स्कूल में जाते थे, और जो छात्र परीक्षा में पास आउट नहीं होते थे वो उसमें क्या होते थे, सफल नहीं हो पाते थे, तो वो अगले स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो कैसी थी, विभेदकारी व्यवस्था थी इंग्लैंड के अंदर, यानी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही जो कमजोर बच्चे थे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते थे तो अगले स्तर के स्कूल के अंदर नहीं जा पाते थे। तो प्रवेश परीक्षा की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, विभेदकारी थी। विभेदकारी व्यवस्था का व्यवस्था थी इंग्लैंड के अंदर, और जो वहाँ के इंग्लैंड के जो लोग थे वो ये विभेदकारी व्यवस्था को क्या कर रहे थे, समझ रहे थे। और उनका ये कहना था कि 18 साल तक, यहाँ पर क्या है 11 साल का बच्चा था, और उनका ये कहना था कि 18 साल तक बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, 18 साल के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। समान शिक्षा की व्यवस्था का अर्थ यहाँ पे क्या है कि किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं हो और वो अगले माध्यमिक स्कूल के अंदर प्रवेश कर पाए। लेकिन जो शिक्षा के जो समर्थक थे, किसकी, प्रवेश परीक्षा की, ये जो परीक्षा थी वो की थी, प्रवेश की परीक्षा थी। तो प्रवेश की परीक्षा के जो समर्थक थे उनका तर्क क्या था, उनका तर्क था कि शिक्षा में क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, तो वही बच्चे माध्यमिक स्कूल तक जाए जो बच्चे गुणी है, जिनकी शिक्षा क्या है, अच्छी है, और जो ये परीक्षा क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, वही अगले स्तर के स्कूल के अंदर जा सकते हैं, ताकि उनका तर्क था कि शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक होनी चाहिए और टैलेंटेड बच्चे, होशियार बच्चे क्या करेंगे, उस विद्यालय के अंदर चुने हुए बच्चे ही क्या करेंगे, माध्यमिक स्कूल के अंदर प्रवेश ले पाएंगे। 1960 तक क्या था, 11 साल तक थे, 1960 तक क्या थी, यही व्यवस्था बनी हुई थी। कौन सी व्यवस्था, की प्रवेश परीक्षा होनी चाहिए, विभेदकारी व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा में क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, और ग्रामर स्कूल और माध्यमिक स्कूल में प्रवेश किसको मिलेगा, जो बच्चा ये प्रवेश परीक्षा को पास आउट करेगा। 1960 तक ये व्यवस्था बनी हुई थी। 11 साल की उम्र में क्या था, विभाजन था किसका, शिक्षा की व्यवस्था का, कि जो बच्चा इस परीक्षा को पास करा वो आगे जाएगा, जो परीक्षा को पास नहीं करेगा, अनुत्तीर्ण होगा, वो नए स्कूल के अंदर या माध्यमिक स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाएगा। और इसके बाद शासकीय विद्यालयों में सब बच्चों को 18 साल तक समान शिक्षा देने की व्यवस्था हुई। 1960 के बाद, 1960 के बाद 18 साल तक के बच्चों के लिए क्या कर दी गई, शिक्षा समान कर दी गई, उन्हें
संचालक था वो किसके द्वारा हो रहा था? स्थानीय शिक्षाविद और शिक्षक। स्थानीय जो शिक्षाविद थे और शिक्षक थे वो दोनों मिलकर क्या करते थे? शासकीय विद्यालय का संचालन का काम करते थे। धीरे धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि इसके अंदर क्या है, इस व्यवस्था के अंदर कुछ कमियां हैं और इन कमियों के परिणाम स्वरूप ही विद्यालय को क्या कर दिया गया, विद्यालय को क्या दे दी गई? स्वायत्तता दे दी गई। विद्यालय को स्वायत्तता दी गई और इसी के अंतर्गत शैक्षणिक स्वायत्तता भी दी गई। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ? बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया। यानी क्या देखा गया कि ये जो व्यवस्था पहले चल रही है उसमें क्या है, कमजोरी है, कमियां है बहुत सारी। उसके परिणाम स्वरूप शिक्षा में विद्यालय को क्या दी गई? स्वायत्तता दी गई और शैक्षणिक स्वायत्तता दी गई और बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या दिया गया, जोर दिया गया या उसे स्थान दिया गया। और 1960 तक क्या था, 1980 तक क्या था, ये व्यवस्था बनी हुई थी। कौन सी? शासकीय विद्यालय की। 1980 तक ये दौर बना हुआ था कि शासकीय विद्यालय के अंदर अकादमिक संचालन होगा। किसके द्वारा होता था? स्थानीय शिक्षाविद के द्वारा और शिक्षक के द्वारा होता था। विद्यालय को स्वायत्तता दी गई, विद्यालय के अंदर शिक्षा के अंदर क्या गई? शैक्षिक स्वायत्तता दी गई, विद्यालय स्वायत्तता दी गई और बाल केंद्रित शिक्षा क्या हुआ, जोर दिया गया या उसे स्थान दिया गया। और 1980 के बाद देखिए हम, ये तो 1980 का समय था और 1980 के बाद देखें तो जो बाजार था उस बाजार के अंदर जो बाजार की ताकत थी क्या करा, बाजार की ताकतों ने शिक्षा को प्रभावित किया। शिक्षा को प्रभावित किया बाजार की ताकतों ने। और इस वक्त 1980 के बाद हम देखें तो इसके फलस्वरूप शिक्षा को के अंदर क्या देखा गया, शिक्षा को लागत देखी गई कि शिक्षा के अंदर कितना पैसा लग रहा है, कितनी लागत लगाई जा रही है और कितना लाभ हो रहा है। यानी शिक्षा का मूल्यांकन होने लगा किसके आधार पर, लागत के आधार पर और लाभ के आधार पर उसको देखा जाने लगा। बाजार की जो जरूरत थी, बाजार की जरूरतों के आधार पर क्या हुआ, जो उसके अनुसार क्या हुई, जानकारी मिली। किसकी जानकारी मिली कि शिक्षा के लिए जो विषयों को शिक्षा में शामिल किया जाए, यानी कौन कौन से विषय होते हैं जिनको शिक्षा में शामिल करें, किन विषयों को, ये कहां से पता चला? बाजार की जानकारी से या बाजार की जरूरतों से पता चला कि किन विषयों को शिक्षा में शामिल किया जाए। और इसके अंदर एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करने का क्या हुआ, दबाव बना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करने का दबाव कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान एक पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। और शिक्षा के लिए जो राज्य के खर्च था उस पर क्या होने लगी, कटौती होने लगी। बाजार क्या क्या प्रभाव पड़ा कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू करने का दबाव बना और शिक्षा के लिए राज्य के जो खर्च था उसमें कटौती की जाने लगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंग्लैंड में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।